मुद्दा आज का में आज की बड़ी बहस स्मॉग के मुद्दे पर, एक वो मुद्दा जो दिल्ली एनसीआर में सभी के लिए इस वक्त परेशानी का सबब बना हुआ है। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में स्मॉग का कहर शुरू हो चुका है। सुबह की तस्वीर स्मॉग की चादर में लिपटी नजर आई, हर तरफ धूल और स्मॉग दिखाई दे रही है। और दिक्कत यही है कि हर साल दिल्ली एनसीआर के लोगों को स्मॉग प्लस फॉग यानी स्मॉग के इस खतरे से दो चार होना पड़ता है और समस्या जस की तस बनी रहती है। हर साल एक तरह से जैसे मौसम आते हैं वैसे ही स्मॉग भी दस्तक देता है और इससे पार पाने में हम नाकाम रहते हैं। कभी किसी चीज़ को ब्लेम करते हैं, कभी कोई उपाय सुझाते हैं, लेकिन ये सब फौरी इंतजाम जो हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, और समस्याएं क्या हैं? समस्या सबसे बड़ी ये कि जो विजिबिलिटी है वो कम रहती है, सेहत पर आपके इसका सीधा असर पड़ता है, जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित होता है। दिल्ली में लौट आया जहरीला स्मॉग, विजिबिलिटी का स्तर हुआ 50 मीटर से भी कम, घुटने लगा लोगों का दम। मौसम विभाग ने दी एयरलॉक की चेतावनी, अगले 4 से 5 दिनों तक राहत के आसार कम। दिल्ली की आबोहवा किस कदर जहरीली होती जा रही है इसे इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। देखिए किस कदर दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी नजर आ रही है, चाहे तस्वीरें इंडिया गेट की हो या फिर किसी और इलाके की, हर तरफ स्मॉग का कहर देखा जा सकता है। मंगलवार की सुबह दिल्लीवासियों के लिए धुंध भरी रही। ये धुंध सर्दियों की दस्तक नहीं बल्कि दीपावली के बाद छाया स्मॉग है जो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा मानो जहरीली सी हो गई है, प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है और यही वजह है कि मंगलवार की सुबह राजधानी कहीं ना कहीं स्मॉग की चादर में लिपटी नजर आई। इस वक्त हम इंडिया गेट पर हैं, यहाँ पर आमतौर पर लोगों की चहलकदमी रहती है, लोग आते जाते हैं, लेकिन आज जो नज़ारा है उसमें कहीं ना कहीं लोग, चूँकि प्रदूषण का लेवल बहुत खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं परेशानी में नज़र आए। मैं आपको देख रहा था कि आपने रुमाल लगाया हुआ था, बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर। दिक्कत हो रही है, हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ घूमने के लिए, लेकिन सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आँखों में जलन जैसा हो रहा है, सब लोग गॉगल इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए, ये बहुत ही हानिकारक है सेहत के लिए। आपको उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा झेलना पड़ेगा? हाँ, इतनी उम्मीद नहीं थी कि स्मोक की वजह से इतना तकलीफ होगी। और समझा जा सकता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमें काफ़ी वक्त लगा, ट्रैफिक जाम की स्थिति जगह जगह नजर आई, विजिबिलिटी का स्तर बहुत घट गया है, 200 मीटर तक विजिबिलिटी का स्तर पहुँच गया है। पूरी दिल्ली की एयर क्वालिटी की अगर बात करें तो CPCB एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। 6 नवंबर को यह आंकड़ा 354 पर पहुंच चुका है, 5 नवंबर को यह आंकड़ा 368 पर था, जबकि 4 नवंबर को 351, 3 नवंबर को 324, 2 नवंबर को 311, 1 नवंबर को 355 और 31 अक्टूबर को 351। अगर राजधानी दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों की बात करें तो उसमें सबसे पहले आनंद विहार का नंबर आता है। आनंद विहार में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, इस इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के करीब है। दिल्ली का ये हाल तब है जब प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के मौके पर दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री तक पर रोक लगा दी थी, लेकिन हालात में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली की हवा में लोगों का दम घुट रहा है और फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से राहत के संकेत भी नहीं मिल रहे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ दीक्षा पांडे, टीम न्यूज नेशन। तो इसी स्मॉग के चलते पिछले साल दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के हालात थे और इस बार स्थिति और ज्यादा भयावह है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ उस्मान नसीम साहब हैं, आप सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एम वली साहब, आप सीनियर फिजिशियन हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में पर्यावरणविद आनंद आर्य साहब मौजूद हैं, मौसम माप विभाग के जानकार महेश पहलावत साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृषि मामलों के जानकार कृष्ण वीर चौधरी साहब। तो हमारे साथ ये तमाम खास मेहमान जो हैं दिल्ली NCR की इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या, या यूं कहें हर साल की जो सबसे बड़ी समस्या है स्मॉग, उस पर बात करेंगे। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि दिल्ली सरकार जो है, ऑड इवन के प्लान लाने वाली दिल्ली सरकार अभी तक इस मुद्दे पर चुपचाप बैठी हुई है। यही वो साल का दिन था, यही वो 7 तारीख थी जब पिछले साल दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद कर दिए थे पॉल्यूशन के बढ़ते हुए लेवल्स को देखते हुए, और आज पॉल्यूशन के लेवल उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई बयान दिल्ली
दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूलों के बंद होने को लेकर या फिर किसी तरह से वाहनों की कमी को लेकर या किसी और तरह का कोई बयान, ऑफिस के टाइम में शिफ्ट का कोई बयान अभी तक नहीं आया है। यानी कि सरकार अब चुपचाप बैठी हुई है। लापरवाही उसकी भी है, उससे भी हम सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो मूलभूत समस्या है उस पर हम बात करते हैं। उस्मान नसीम साहब, आपसे समझना चाहेंगे, क्या अब ये कड़वा सत्य मान लें कि इसका कुछ नहीं हो सकता, हर साल 2 महीने दिल्ली एनसीआर को इसी जहरीली हवा में रहना होगा? देखिए, सबसे पहली बात जो हमारी स्थिति है इस टाइम, अगर आप ये जो स्मॉग की स्थिति हुई है दिल्ली में, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले वर्ष भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिचुएशन दिल्ली में हो गया था, और अभी भी, जैसे मैं आज की आपको सुबह की बात बताऊं, कल रात से आज सुबह तक जो लेवल्स हैं PM2.5 के, वो कई कई जगहों में 800-900 तक देखे गए हैं। यानी आप समझ सकती हैं सेफ लेवल से 15 से 16 गुना ज़्यादा। तो जैसी हमारी स्थिति है उसे देखिए, अगर आप ये चाहना कहना चाहें कि हमने इतने एक्शंस लिए हैं, जैसे बदरपुर पावर प्लांट बंद हो गया है, डीजल जनरेटर्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ओवरनाइट सॉल्व हो जाएगा या कुछ ही महीने में सॉल्व हो जाएगा, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, इसमें हमें टाइम लगेगा। इसलिए हमें इसमें थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा। एक्शंस लिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी एनफोर्समेंट में कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अचानक से जो स्मॉग की स्थिति आ गई है दिल्ली में, देखिए हमने नासा के इमेजेस देखे हैं और हमारे जो वेदर कंडीशंस हैं, अगर आप पंजाब की बात करें, पंजाब में पराली जलाई जा रही है, तो लेवल जो है हमारे वायु नहीं चल रही है, विंड ना होने की जगह एक स्टिल एटमॉस्फेयर बन गया है। तो वो ऊपर ग्राउंड लेवल से हायर ऑल्टीट्यूड में जो पंजाब से आने वाले पराली का धुआं और जो यूपी साइड से हमारे पास जो आने वाले मॉइस्चर वाली हवा है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के ऊपर कवर कर गई है, जिसकी वजह से आज हमारे जो लेवल्स हैं एकदम से शूट कर गए हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखिए जितने भी एक्शंस हैं इसको इंप्लीमेंट करना है, और सवाल आपके ज़हन में भी है कि इंप्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है। आनंद आर्य साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, गैस चैम्बर तो हम पहले से हैं, जिस तरीके की स्थितियां अभी हैं और बताया जा रहा है कि जो हवा के मानक हैं उसमें खतरनाक स्थिति से भी कहीं ज़्यादा आगे हैं, गैस चैम्बर से आगे कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसको 3 हिस्सों में बांटना होगा। एक तो जो नेचुरल कॉजेज़ हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, कि जो हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है दिल्ली की और जिस तरह से हवाओं मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हवा जमा हो जाती है, मॉइस्चर हो जाता है और हमें लिफ्ट नहीं मिलती पोल्यूशन को ऊपर जाने की। दूसरा ये है कि जो कुछ बाकी के जितने भी हैं वो सारे हमारे मैन मेड पोल्यूशंस हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते जी, पर 60-70% ऐसे हैं जो बिना किसी रॉकेट साइंस के लिए, इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, आपको IIT का इंजीनियर नहीं होना है, आपको IIM का ग्रेजुएट नहीं होना है, आप उनको कर सकते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल आपको देता हूँ। नंबर एक, हम ऑड एंड इवन की बात कर रहे हैं, EPCA ने कहा कि पार्किंग 4 गुनी बढ़ा दीजिए, क्या होगा, जो गाड़ी भी गाड़ी पार्क करता है उसके लिए 50-100 रुपये और कोई मीनिंग नहीं रखते। दूसरा, आप कह रहे हैं कि मेट्रो के किराए कम कर दीजिए, मेट्रो तो भाई आज की डेट में भी फुल स्पीड पर जा रही है, फुल है, 100% यूटिलाइजेशन है उसका। हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए वो है बसेस। अब 2012 में 13 में 5,000 बसें ऑपरेटिव थी, उनको आज उनका नंबर घट के हो गया 3,900 कुछ हो गया, और जबकि प्लान थी 10,000। मैं जानना चाहता हूं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से, दिल्ली के LG से, कि ये 5,000 बसों का ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं हुआ, आज वो ऑपरेशनल क्यों नहीं है? अगर आज मैं अपनी गाड़ी हटाना चाहता हूं तो मेरे पास क्या कोई क्या दूसरा है? विकल्प है नहीं है। और अभी तो आप बसेस की बात कर रहे हैं अभी, और एक चीज और समझिए, दूसरा ये है कि ये सब बोल तो रहे हैं कि हमने ये कर दिया, NGT ने आदेश दे दिया। अरे जब तक NGT के कम से कम मैं 50 ऐसे आपको आदेश गिना सकता हूँ 1, 2, 3, 4 करके, कि जिसके अंदर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हुआ है तो आज मैं NGT से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई भी एक ब्यूरोक्रेट या रिस्पॉन्सिबल पर्सन या अकाउंटेबल पर्सन जो उसकी जिसकी ये जिम्मेदारी थी वो आज जेल के अंदर क्यों नहीं है? लेकिन आर्या साहब, कम से कम आप शुक्रिया भी तो कहेंगे NGT का कि जो काम सरकारों को करना था वो काम अदालतों को करना पड़ रहा है, NGT फटकार लगा रही है, उसके बाद सरकार फटकार से क्या मतलब? फटकार का कोई बहुत ज्यादा असर हम देखते हो नहीं होता है, एक टूथलेस बॉडी एक तरह से अगर हम कहें NGT अंत में साबित हो जाती है। और सरकार कहाँ है आखिर? अरविंद केजरीवाल जो बात बात पर ट्वीट करते हैं,
वो आज कहां पर बैठे हैं, क्यों नहीं वो इस संदर्भ में कोई भी आदेश देते हैं। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के स्कूलों को बढ़ चढ़कर बताते हैं कितने हाईटेक बना दिए हैं, दिल्ली की इस खराब आबोहवा पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, क्यों पर्यावरण मंत्री की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आता है। हर बार आप एलजी या फिर दिल्ली के पूर्ण राज्य ना होने का ठीकरा फोड़कर आप जनता को सिर्फ और सिर्फ एक लापरवाही भरा जवाब नहीं दे सकते। बहरहाल इस बीच में ये भी समझना चाहूंगी, कृष्णवीर चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, पराली की बार बार दुहाई दी जाती है कि भाई पराली जला रहे हैं इसलिए दिल्ली एनसीआर में हो गया, और ये तो होगा ही होगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या वाकई में पराली की ही एक समस्या है और उसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, कि पराली के जलाने के अलावा कोई आपके पास दूसरा विकल्प बचता ही नहीं है? नहीं, देखिए जब मैकेनाइजेशन शुरू किया था और कंबाइन हार्वेस्टिंग शुरू हुई है, उसके बाद से जो कटाई होती है उसमें जो नीचे का हिस्सा बढ़ता, अब तो उसको भी प्रयोग करने लगे पावर जनरेशन में, तो जो पराली जलाने की बात है पिछले एक साल से अब तो उसमें बहुत बदलाव आ गया है, काफ़ी बड़े एरिया में वो कम हो गया है, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण तो उतना ही हालत ख़राब है। देखिए इसकी और बहुत सारी वजह हैं, ये अपने जान बचाने के लिए इस तरीके से सिर्फ पराली को कह देना है, वो कहाँ है बताइए मुझे, अभी बताइए। चलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब कौन सा गेहूँ की कटाई हो रही है, अब कौन सी पराली गेहूँ की जलाई जा रही है, अब कौन सा सरसों की कटाई हो रही है, कौन सा सरसों जलाई जा रही है, इस तरीके की बात ये करते हैं तो ये शोभा नहीं देता। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं की, आपने पूरा जो हरियाली होनी चाहिए थी आपने तो पूरा प्रदूषण को खुद ही दिल्ली में घेर दिया चारों तरफ से, आपने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, आपकी कोई प्लानिंग है नहीं पूरी तरह से, आपने नदियों को बर्बाद कर लिया खुद ही, आप पूरा जो पानी का पॉल्यूशन, हवा का पॉल्यूशन, आप कह रहे हैं कि इसमें पराली का कोई योगदान नहीं है, और सिर्फ 20% जो पुराने आंकड़े भी हैं उसमें भी कहा जाता है कि 20% इस पूरी कंडीशन के लिए पराली जलाना जो है उसमें उसका योगदान रहता है। हालांकि केजरीवाल साहब ने अभी 5 घंटे पहले आपको बता दूं कि ट्वीट किया था कि मनीष सिसोदिया से कि वो गुजारिश की थी कि भाई आप जो है दिल्ली के स्कूल बंद कर दें हाई पोल्यूशन लेवल को देखते हुए, और ये गुजारिश भी ट्वीट पर, और इस चीफ मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर से डिप्टी सीएम से गुजारिश करनी पड़ रही है, और 5 घंटे पहले का ट्वीट है, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। बिल्कुल, अब आप सोच के देख लीजिए क्या स्थिति है, कितनी गंभीरता है या फिर सिर्फ पोस्चरिंग हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में महेश जी एक चीज मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, अगर हरियाणा में या पंजाब में पराली जलती भी है तो क्या कारण है कि उसका असर दिल्ली में ज्यादा दिखता है अपेक्षाकृत चंडीगढ़ के या दूसरे कोने की तरफ? देखिए पराली एक फैक्टर है पॉल्यूशन का, लेकिन ये अकेला कारक नहीं है। रीजन ये है कि जब ये जो मौसम है इस समय नॉर्थ वेस्टर्ली यानी उत्तर पश्चिमी दिशा से नॉर्मल हवाएं चलती हैं, और क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में ही पंजाब और हरियाणा है तो वहां से ये पराली का धुआं दिल्ली की तरफ आता है। लेकिन ये जो इस समय स्मॉग बना हुआ है उसका कारण दूसरा है कि 1 से 4 नवंबर के बीच में ये जो बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिड विंड्स थी वो मॉइस्चर उन्होंने बढ़ाया जी, और हवा इस समय बिल्कुल बंद है, ना के बराबर है, और पिछले 2 दिनों से हल्की हवा चल रही है उत्तर पश्चिमी दिशा से जो पराली का धुआं थोड़ा बहुत जो था वो लेके आई, और क्योंकि टेम्परेचर भी अब गिरने लगे हैं तो जो मिस्ट और हेज बनी हुई थी वो अब धीरे धीरे फॉग में बदल गई है, जो कि पंजाब और हरियाणा में काफ़ी डेंस फॉग था जिससे कि कई एक्सीडेंट भी हुए, तो जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स के साथ वो फॉग भी साइड आया, लेकिन जब वो दिल्ली के आसपास आया तो जितना भी पॉल्यूशन था, लोकल पॉल्यूशन हो गया, कंस्ट्रक्शन के जो साइट्स पर जो धूल उड़ती है ये सारा मिल करके स्मोक की लेयर बन गई, और क्योंकि अभी हवा नहीं है और अगले 3 या 4 दिन तक हल्की हवा ही रहेगी तो ये पॉल्यूशन और स्मोक की लेयर छाई रहेगी। अगले 3 से 4 दिन तक दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा में ही सांस लेना होगा, ऐसे में क्या कुछ बचाव हो सकते हैं? हमारे हुक्मरानों ने तो पल्ला झाड़ लिया है, जो नीतियां थी उनमें खामियां हैं, इम्प्लीमेंटेशन में खामियां हैं, सवाल ढेर सारे उठते हैं, उनके पास कुछ बहाने होते हैं, लेकिन हमें और आपको तो अपना बचाव करना है, और बचाव कैसे होगा इसके लिए डॉक्टर वली हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वली, आज सुबह सुबह मैं एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति हूँ, और जब मैं अपने दफ्तर के लिए बाहर निकली तो उस थोड़ी ही देर में ही जो हालत थी, सांस लेने में तकलीफ, सर दर्द का होना, आंखों में एक अजीब सी चुभन, और अभी तक वो सांस लेने में तकलीफ लगातार जारी रही जितनी बार भी हम नीचे उतर के गए हैं दफ्तर के, तो ऐसे में उन लोगों का क्या जो बेचारे सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं या फिर कोई और तकलीफ जिन्हें पहले से है, क्या बचाव हो सकते हैं? देखिए
ये बहुत छोटे बच्चे या एल्डरली लोग जो ख़ास तौर से आपने बताया सांस के मरीज़ हैं, इसके अलावा भी जो ओबीज लोग हैं जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको लंग्स में इन्फेक्शन है ऑलरेडी, लीवर की बीमारी है, किडनी के पेशेंट्स हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, छोटे बच्चे हैं जी, मासूम बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं जो कई कई घंटे बस स्टॉप के आसपास खड़े रहते हैं, उनको ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होना शुरू हो गए हैं। और अभी आज ही मेरे पास हिंदुस्तान टाइम्स के एक थे, उनका भी फ़ोन आया, उनके बच्चे को हुआ। और इसके अलावा मेरे पड़ोस में जो रहते हैं मेरे पड़ोसी इमीडिएट, उनको रात भर नींद नहीं आई, 3 बजे तक मैं भी उनके साथ जागा, उनको सांस नहीं ठीक हुआ डिस्पाइट नेबुलाइजर, ब्रोंकोडायलेटर, एंटीबायोटिक। इस तरह से कितने केसेस होते हैं रोज़, कितने केसेस होते हैं और कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, इसका हमको अंदाज़ा ही नहीं है। और प्रिवेंशन तो इसका बहुत दूर है, अभी ये तो पॉइजन है, इससे हमको निमटना है। हमने एक इनोवेशन किया था पिछले साल, हम डोर टू डोर गए, सब सरकारी लोगों के पास भी गए, उसमें हमने गारंटी के साथ ये क्लेम किया था कि जो ये हम बात पुराली की कर रहे हैं और ये सब पोल्यूशन की कर रहे हैं, उसके अलावा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन टायर डस्ट का होता है सड़क पे। बिल्कुल, टायर जब चलता है, गाड़ी चलती है, तो उसका नए टायर का वज़न और पुराने टायर का वज़न में 3 किलो वियर एंड टियर होता है, वो पार्टिकल भी जाके दमा पैदा करते हैं और रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज पैदा करते हैं। आपने रोकथाम की बात की, मैं उस पर आ रहा हूँ। रोकथाम का सबसे बड़ा उपाय ये है कि हम इंडोर्स रहें, जो इंडोर्स रहना पॉसिबल नहीं है, अपनी दवाएं रेगुलर लें, इन्हेलर्स रेगुलर लें, पानी ज़्यादा पिए, गुड़ खा सकते हैं, कभी कभी जो डायबिटिक नहीं है उनको ही रिकमेंड करता हूँ मैं, गुड़ भी इसमें हेल्प करता है किसी हद तक। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें लें, विटामिंस लें और पूरी नींद भर के सोए। एयर क्लीनर्स, डॉक्टर वाली, बहुत डॉक्टर वाली, तो आप कह रहे हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और जो भी एहतियात बरत सकते हैं वो बरतने की कोशिश करें। आपके पास एक बार फिर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इसके बचाव के उपाय हो सकते हैं। लेकिन स्मॉग को लेकर EPCA के चेयरपर्सन भूरेलाल ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। स्टोन क्रशर्स को बंद कर दिया जाएगा, हॉट मिक्स प्लांट को बंद कर दिया जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी, मेट्रो में कोच अजॉर्ड लगाए जाएंगे, ऑफ पीक आवर्स में किराया कम करने के लिए भी मेट्रो को कहा गया है, वो इसके ऊपर सोचकर बताएंगे। CND वेस्ट जहां पड़ा हुआ है वहां पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने की बात है। दिल्ली में बहुत सी जगहों के ऊपर और नज़दीक NH-24 पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, बहुत सी मिट्टी पड़ी हुई है, उनके ऊपर भी CND वेस्ट के मुताबिक 5 लाख रुपए तक फाइन लगाने की बात हमने कही है, अगर उन्होंने डस्ट को कैच करने का या डस्ट कंट्रोल करने के उपाय नहीं किए गए तो। चलिए, तो आखिरकार अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया डिप्टी CM दिल्ली के और शिक्षा मंत्री, उनका बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि प्राथमिक स्कूल जो हैं, जो प्राइमरी स्कूल जो हैं 5वीं तक के, वो दिल्ली के कल बंद रहेंगे। सवाल ये अनुराग कि 5वीं से स्कूल से बड़े बच्चों के लिए क्या ये जहरीली हवा नहीं है? बिल्कुल, और सवाल ये भी कि क्या जब हालात बिगड़ते हैं उसके बाद ही सरकार जागती है फैसले लेने के लिए। गाजियाबाद में डेंजर हुए हालात, नोएडा में भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, घर से निकलना हुआ दुभर, बंद किए जा सकते हैं स्कूल। दिल्ली ही नहीं, NCR में भी दमघोटू हवा ने लोगों का घर से निकलना दुभर कर दिया है। गाजियाबाद NCR में एयर क्वालिटी सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुका है। सोमवार शाम को गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 रहा, जबकि नोएडा का 407। तापमान में इन दिनों आए गिरावट के चलते धुंध की स्थिति लगातार बनी हुई है। लोग कंफ्यूज हैं कि आखिरकार ये धुंध की स्थिति फॉग है या फिर स्मॉग है। अगर मौसम अधिकारियों की माने तो अगर 2000 मीटर से ज़्यादा की विजुअलिटी है तो ये स्मॉग नहीं बल्कि फॉग है। और ये जो स्थितियाँ वातावरण में अभी देख पा रहे हैं, जो धुंध जैसी स्थिति है, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर के शाम सूरज ढलने तक ऐसी ही बनी रहती है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का ये तक कहना है कि जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। और स्मॉग की स्थिति में आप देख पाएंगे जिस तरह से एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वेदर क्वालिटी बहुत ही डल और ख़राब मालूम होती है। आप डस्ट पार्टिकल्स को और माइक्रो पार्टिकल्स को
लगातार महसूस कर पा रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो स्थिति है 3 से 4 दिन तक बरकरार रहेगी। यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के 400 से ज्यादा होने पर इसे गंभीर की श्रेणी में रखा जाता है और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। इसका सबसे ज्यादा असर बीमार लोगों पर पड़ता है। हाँ, ये बात ठीक है कि ये मतलब जो भी है कि गलत हो रहा है, उसके लिए हम यही करना चाहते हैं कि मतलब सफाई वगैरह रखें और पोल्यूशन के लिए हम गाड़ियों का कम यूज़ करें। पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, इसमें तो कोई नहीं, और अवेयरनेस नहीं है। मैं समझता हूँ तो कोई भी गवर्नमेंट काम करेगी, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक को भी अवेयरनेस आनी चाहिए। अब हम आपको ये भी बता दें कि ऐसे में किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए। घर के अंदर रहने की कोशिश करें, घर के अंदर भी ज्यादा काम ना करें। अस्थमा के रोगी जरूरी मेडिसिन अपने साथ रखें। ऐसा नहीं है कि स्मॉग से बीमार मरीजों के लिए ही जानलेवा साबित हो सकती है, बल्कि ये सेहतमंद लोगों को भी बीमार बना सकती है। ऐसे में उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। घर के बाहर के कामकाज से परहेज करें, मॉर्निंग इवनिंग वॉक ना करें, थकाने वाले कामकाज से परहेज करें, कफ खांसी होने पर कामकाज से दूर रहें, कमरे की खिड़की को बंद रखें, लकड़ी, मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूपबत्ती ना जलाएं, बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। पीएम 10 इस वक्त में 999 क्रॉस कर रहा है और पीएम 2.5 ऑलमोस्ट 900 क्रॉस कर रहा है और पीएम 1.0 करीबन 377 क्रॉस कर रहा है। ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। IMA डिक्लेयर्स दिल्ली इन ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी स्टेट। स्कूल बंद हो जाने चाहिए, लोग घरों से बाहर नहीं निकलने चाहिए, खासकर एल्डरली, प्रेगनेंट लेडीज, बच्चे, हार्ट के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट, बाकी सब लोगों को भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। गाजियाबाद, नोएडा में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। हालात को सामान्य करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। एहतियातन कई कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन स्मॉग कम होने की बजाय और विकराल होता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज नेशन। चलिए, तो वाकई में स्थिति जो है लगातार गंभीर हो रही है। हमारे साथ तमाम हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं कि दिक्कत आखिर है कहां। आनंद आर्य जी हमारे साथ पर्यावरणविद जुड़े हुए हैं। आनंद जी, यहां पर ये एक साइकिल की तरह से चल रहा है पिछले 3-4 साल से, तो अगर कम से कम हम लोग जहन में जो ध्यान पड़ रहा है, तो उसके रूट कॉज सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में है या फिर कुछ वाकई में आमूलचूल परिवर्तन लाने की जरूरत है? देखिए, 2-3 चीज तो है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, जो कि हमारे मीटरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जिन कारणों से पोल्यूशन हो रहा है और ख़ासकर एयर पोल्यूशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार को पता नहीं है। मेरे पास एक रिपोर्ट है IIT कानपुर की जी, जिसके अंदर उन्होंने 20 सजेशन दिए हुए हैं कि कब कितना करना है, क्या करना है और उससे कितना प्रदूषण कम होगा। अब सवाल ये है कि आपने शब्द यूज़ किया हुक्मरान, ये मेरे हिसाब से हुक्मरान नहीं है, ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इनकी एक ड्यूटी बनती है। इट्स ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ड्यूटी, आई वुड यूज़ द वर्ड डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी के इनके पार्ट पे, जब तक ये काम नहीं करेंगे। अब सिंपल सी चीज़ें हैं, क्या आप पत्ते जलना नहीं रोक सकते? आप रोक सकते हैं। क्या आप डस्ट को क्लीन नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। क्या आप इस तरह के जितने का कारण है, जैसे अब आपका ट्रक निकल रहा है मिट्टी लेके, क्या वो कवर नहीं हो सकता? दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज, गवर्नेंस इशूज, जहाँ पे दिल्ली सरकार, और मैं तो ये भी कहूँगा कि केंद्रीय सरकार भी जी, काफी दूर तक इन मामलों में बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस रही है। और आई विल होप कि कल जब NGT के सामने ये ऑफिसर्स प्रेजेंट हो तो इनमें से 2 या 4 को 24 घंटे की तिहाड़ की हवा खिलाई जाए, तब जाके हमारी हवा थोड़ा संजीदगी से लेना होगा। और दिक्कत ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर बैन लगा देता है, उनकी बिक्री पे लाखों जो व्यापारी हैं वो इस पे स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, काला बाजारी बढ़ जाती है, त्योहारों का मजा लोगों का किरकिरा होने लगता है। लेकिन अब क्या, अब क्यों कुछ सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं होती है जो नीतिगत फैसले नहीं ले पाते हैं? जाहिर सी बात है। उस्मान नसीम साहब जी, देखिए, सबसे पहली बात, इसमें कोई दोराह कोई शक नहीं है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जो एक्शन सरकारों को लेना चाहिए, मैं यहाँ पे दिल्ली सरकार की या केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो एक्शंस हमारे NGT दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ रहे हैं। चाहे आप फायर क्रैकर्स पे बैन की बात करें या रोड डस्ट स्वीपिंग की बात करें, ट्रक्स को रोकने की बात करें, ये सब डायरेक्शंस हमें सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट्स को एक्ट करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि ये सब एक्शंस आए हैं, उसके ऊपर रूल्स बने हैं, पॉलिसीज़ बनी हैं, अब
इन पॉलिसीज का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जितने भी हैं, उन्हें ये इंश्योर करना है कि जितने भी रूल्स हैं, अगर मैं ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करूँ जो EPCA ने पिछले वर्ष नोटिफाई करवाया है MOEF से, ये नोटिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इस्तेमाल करना चाहिए जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं आप देखिए उसके खुलेआम से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, बिल्कुल एनफोर्समेंट में बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन उस्मान नसीम साहब, जब हम बात करते हैं सरकारी पक्ष से, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने पर्यावरण को अपनी प्राथमिकता में नहीं रखा है। देखिए, दिल्ली में हम CNG लेकर आए, दिल्ली में हमने मेट्रो का विस्तार किया, दिल्ली में अदालत के आदेश के बाद ही सही, हालात बिगड़ने के बाद ही सही, लेकिन हमने ऑड इवन का प्रयोग भी किया कुछ दिन के लिए। क्या ये तीनों प्रयोग सही समय पर लिए गए सही फैसले थे, तो या आपको लगता है कि प्रतीकात्मक थे, बहुत ज्यादा इनका मतलब नहीं निकल कर आया? देखिए, इस मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 3 से 4 साल के वर्ष की बात करूँ तो एयर पोल्यूशन एक मुद्दा सरकारों को दिखा है कि जिसके बाद दिल्ली सरकार की आप बात करें, ऑड एंड इवन सिस्टम आया, कार फ्री डेज आए, बट अभी भी अवेयरनेस जो हमें एक देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन उनकी तरफ से तो है ही है, लेकिन साथ साथ हमें भी एज ए सिटीज़न हमें भी एक एक्शन का पार्ट बनना चाहिए। जैसे अभी बात यहाँ पे हो रही थी कि पार्किंग के फीस बढ़ जाएंगे, कि लोग 3 से 4 गुना नहीं दे जा सकते, मैं आपको एक सिचुएशन भी बिल्कुल एग्जाम्पल बताता हूँ। दो वर्ष 2012 में EPCA का सुप्रीम कोर्ट में केस चला खान मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, और खान मार्केट एसोसिएशन, खान मार्केट वो एरिया है जहाँ पे हमारा एलीट क्लास जो हम कह सकते हैं सोसाइटी की, वो पार्क वो लोग आते हैं वहाँ पे, वो लोग वो है जो करीबन 80 से 1 करोड़ की गाड़ियाँ वहाँ पे लेकर आते हैं। लेकिन जब EPCA ने प्रपोज करा कि यहाँ पे पार्किंग चार्जेस आप 50 रुपीज़ आवर कर दीजिए, तो उनकी सोसाइटी ने, उनके ट्रेडर्स ने अपोज किया है वहाँ पे, और वो लोग जीते केस में। देखिए, पार्किंग में एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जी मैं आपको बता रहा हूँ, पार्किंग एक इतना बड़ा स्टेप हो सकता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ऑफिशियल्स तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बढ़ चढ़ को हमें सिटीजन्स को पार्ट लेना है। दूसरी बात रही कि सिटीजन्स के पास ऑल्टरनेटिव वे ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन नहीं है। 3 से 4 साल के बीच में हमारे पास एक भी बस नहीं आई है। जब पता था कि सर्दियों के दिनों में मौसम की कंडीशन ऐसी होने वाली है, पराली भी जलेगी, तमाम दिक्कतें आ रही है, तो फिर क्यों नहीं वक्त रहते कुछ कदम यहाँ पर उठाए गए? महेश जी, हालात कुछ आने वाले दिनों में बेहतर होने की स्थिति है? देखिए, इसका दो उपाय हो सकते हैं, या तो उत्तर पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं चलें, जो कि अभी 5 या 7 दिन तक कोई चांस नहीं है। कारण यह है कि एक लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में बन रहा है, जिसके कारण 2-3 दिन बाद फिर से पूर्वी हवाएं ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगी। और दूसरा इलाज ये हो सकता है कि विंटर रेन जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है वो हो, लेकिन जो मॉडल दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि अगले 10 या 15 दिन तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, स्नोफॉल भी नहीं है, और जो नॉर्थ इंडिया बारिश रहेगी वो नहीं है, और ये स्थिति ऐसी की ऐसी 10-15 दिन तक, 7 या 8 दिन तक। तो ये तो वाकई में बहुत अच्छी खबर नहीं है, चेतावनी है एक तरह से कि अगले 6 से 7 दिन तक यही स्थिति बनी रह सकती है। अनुराग, बिल्कुल यकीन है, लेकिन इन सब के बीच में क्या वास्तव में वो जागरूकता, वो संवेदनशीलता है हमारे नीति निर्माताओं में जिसकी जरूरत है, और जो जानकार यहां पर बता रहे हैं? किशनवीर चौधरी साहब, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या आपको लगता है कि वाकई वो ईमानदारी है? अदालत जैसे ही कोई फैसला सुनाती है पर्यावरण को बेहतर करने के लिए, उसको किसी धर्म से जोड़ दिया जाता है, उसको किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से जोड़ दिया जाता है, और जो सुधार का पहिया है वो तुरंत ही पटरी से उतर जाता है। आपको लगता है कि परिपक्वता दिखानी होगी पॉलिटिकल पार्टीज को भी पर्यावरण जैसे जरूरी मुद्दे पर? देखिए, अगर हम पूरा दुनिया के हालात को देखें और भारत के हालात को देखें, तो भारत की स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही है। वजह यह है कि हमने पर्यावरण को पूरी तरह खराब किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर NCR की बात करें तो धूल और धुआं दो चीज़ें हैं। सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि उसमें पॉल्यूशन की वजह यही है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत है। आप ये भी तो देखिए, आपका ट्रांसपोर्टेशन का धुआं बहुत है जी। आप किसको ठीक करेंगे, किसको नहीं करेंगे? ऑड इवन की बात कभी करते हैं, कभी आपने कभी ये सोचा कि आपने ग्रीनरी प्लांटेशन कितना बढ़ाया है? आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमको पानी को भी प्रदूषित नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब आपका एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर आप रेन की बात करते हैं। रेन तो वहाँ होती है ना जहाँ टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है पर्यावरण का। यहाँ तो पर्यावरण को पूरी तरह खराब कर दिया है। पूरे विकास के नाम पे विनाश का मॉडल हमने अपनाया है। पूरी सच्चाई तो ये है, आप देखिएगा अनुराग, स्थिति ये है
कि हमने पूरा कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के नाम पर एनसीआर में खड़ा किया, एनसीआर आज उसका सफरर है। दूसरी बात, हमने पूरा कारों का बाजार बनाया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं की, पर नहीं इस्तेमाल कर सकते, नकारा भी नहीं जा जी नकारा नहीं जा सकता, वो भी हमारी उतनी ही जरूरत है। आनंद साहब, कंक्रीट का जंगल आज की जरूरत है, और ये सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वजह नहीं है, बल्कि ये बाकी दूसरे देशों में भी है, कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग और लॉस में कमी है। आपने हमारे पास पूरे लॉ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि लॉ नहीं है, हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं जानते कि प्रदूषण का कारण क्या है, हम ये भी जानते हैं कि उसका सलूशन क्या है। अब सवाल ये कि अगर कोई कुछ करे नहीं और बैठ के आप पॉलिटिक्स करते रहे, बोलते रहे, जैसे मैंने आपको दो तीन एग्जांपल दिए, अब जैसे दिल्ली में यमुना 24 किलोमीटर जाती है, 1 किलोमीटर चौड़ी है, तो 24 स्क्वायर किलोमीटर से आपका मीथेन गैस 365 दिन निकलता है साल में। अब उसके लिए एनजीटी का वेल लेड आउट प्लान है, नहीं यमुना एक्शन प्लान भी चल रहा है सालों से, नहीं वो तो चल ही रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ जो एनजीटी ने 2015 जनवरी में ऑर्डर दिया, आज वो आज तक सितंबर 2017 तक इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए उसका फेज वन, अरे कुछ नहीं हुआ है, एक जीरो काम है। और अभी कल या परसों ही एनजीटी ने कहा है कि अब हम आपको फाइनल अपॉर्चुनिटी, लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी देते हैं। अरे भाई क्यों, चलिए हम एक बड़े खतरे जेल में डालिए ना, जिस आदमी ने आपकी डायरेक्शन नहीं फॉलो करी, हम एक बड़े खतरे को बहुत ही लापरवाह तरीके से देखिए, जब तक हम ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे और उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी किसी तरह की, तब तक ये नहीं होगा। जो आप कह रहे हैं कि 10 दिन में हवा आएगी साफ हो जाएगी, देश के आंकड़े हैं, मैं ये बता रहा हूँ, वायु प्रदूषण, मैं यही बता रहा हूँ, 7 लाख मौत होती है पिछले साल भी, पिछले साल भी 9 तारीख को संडे को यही हाल था, बिल्कुल, और अगले 10 साल भी यही हाल रहेगा, अगर जब तक कि हम जो बनी बनाई प्लान, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छी है बुरी है जैसी भी है, पर जो एक्शन प्लान डिसाइड हो गया है उनका इंप्लीमेंटेशन क्लियर है, और शायद वक्त आ गया जब हमारी चुनी हुई सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, तो शायद एक बार फिर से कोर्ट की तरफ ही निगाहें उठ रही हैं कि क्यों नहीं वो स्वतः संज्ञान लेते हुए, अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स में भी मेरे को तकलीफ है कि वो अपनी डायरेक्शन देते हैं, हमारे साथ डॉक्टर वली भी जुड़े हुए हैं, और डायरेक्शंस को इंप्लीमेंट नहीं करवा, ये जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल तो अगली सुबह भी ऐसी ही रहने वाली है जैसे कि महेश जी ने कहा डॉक्टर वली, और इतनी ही जहरीली हवा में सुबह उठना होगा, तो कम से कम नुकसान कम हो इसके लिए आप कुछ उपाय सुझा दें। घर में रह के डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एफोर्ड कर सकें तो घर में एयर क्लीनर्स लगा सकते हैं। आपने बताया, अभी हमारे आईएमए के लोगों ने भी बताया कि इंडोर्स रहें, लेकिन इंडोर्स रह के भी काम नहीं चलता, पानी ज्यादा पिए, गुड़ जिनको डायबिटीज नहीं है खा सकते, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और ज्यादा से ज्यादा फल खाएं, तभी आप इस स्मोक के संकट में बचे रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जो काम सरकारों को करना था वो काम सरकार नहीं कर पाई है।